आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स के वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जो न्यूज़पेपर में रहे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला, जिसको इसको याद है बोलता जाए, मदर टेरेसा की साड़ी। खास सिग्निफिकेंस दिया गया इस बार, ठीक है, मदर टेरेसा साड़ी। सेकेंड, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रामानुजाचार्य। बेसिक्स क्या है इनके, कब हिस्ट्री में प्रिवेलेंट थे, इनके जो टीचिंग्स वो क्या हैं, ठीक है। तीसरा, सीदी सैयद मस्जिद, इसका आर्ट एंड कल्चर जो है आपको देखना है, इसका मतलब आर्किटेक्चर क्या रहा और इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। सीदी सैयद मस्जिद, अगला, काव्यों में आप पढ़कर जाएंगे पद्मावत, और आप पढ़ेंगे जायसी के बारे में, राइट। तो इससे ज्यादा चर्चा तो खैर किसी की नहीं रही, लेकिन आप इसको ढंग से पढ़ के जाएंगे जायसी के बारे में। नेक्स्ट वन आपका आर्ट एंड कल्चर में हरिकिया, हरिकिया, हरिकिया क्या है। नेक्स्ट वन, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर का मकबरा, राइट, चर्चा में रहा। तो बहादुर शाह की लीजेसी आपको पढ़नी, अंतिम मुगल शासक है, ठीक है। तो बेसिकली इसके क्या क्या सेगमेंट्स रहे और 1857 की जो पहला, जिसे कहते हैं कि पहला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्या भूमिका रही, ये भी आपको पढ़ना है। कहाँ है आप जानते हैं कि फिर इनको रंगून में दफनाया गया था, इनको निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों ने पेंशनर बना के, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वाभिमान, स्वाभिमान आंदोलन, इतिहास में इसका महत्व क्या है, स्वाभिमान आंदोलन। आठवां, पाइका विद्रोह, पढ़ा चुका हूं बाकायदा, बहुत इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया, पाइका विद्रोह इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला, अहमदाबाद, इसको आपको ऐतिहासिक वे में भी पढ़ना है। अहमदाबाद को आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं, फर्स्ट हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया, भारत का पहला धरोहर शहर के रूप में इसको घोषित किया गया, लेकिन इसके पीछे आपको अहमदाबाद की लीजेसी पढ़नी है। अहमदाबाद, इस शहर के बारे में अध्ययन करना है, ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट हेरिटेज धरोहर शहर के रूप में है, सिटी ऑफ इंडिया, राइट। एक बिल आपको इसी समय पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, द एंशियंट, ध्यान नहीं गया होगा आप लोगों का, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, अवशेष, रिमेन्स, एमेंडमेंट बिल 2017, प्राचीन मॉन्यूमेंट स्मारक तथा सर्वेक्षण साइट्स और अवशेष संशोधन बिल 2017, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बड़े बड़े बिल याद करके जाओगे, यहां छोटा सा जो है वो चिपका देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यूनेस्को, हाँ, इस पर ध्यान कहाँ गया, पता, पढ़ा है उसको, पढ़ा है, इसके बारे में है पूरी जानकारी, हाँ, तभी तो छोटा सा है, ठीक है। चलो, यूनेस्को इंटेंजिबल, पढ़ा चुका हूं ये, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी किसको दिया गया था, पढ़ाया मैंने तुम लोगों को,
कुंभ, गुड। इसके साथ साथ जितने भी थे ह्यूमैनिटी के इंटेंजिबल सिग्निफिकेंस, वो सारे मैंने लिखाए थे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वन चिरा, चिरा आर्ट एंड कल्चर में इसको भी आपको समझना है, चिरा। नेक्स्ट वन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिंगायत, इसका तो मैं इशू पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, लिंगायत। नेक्स्ट वन फिर से चर्चा में आया खिलाफत, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। और नेक्स्ट वन अगेन दोबारा ये चर्चा में आए हैं लाला लाजपत राय। तो इनका पूरा जो है सेगमेंट पढ़ के जाइएगा, आप भूलने आपका काम नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में मेरी हेल्प चाहते हैं तो ये 15 टॉपिक्स आप पढ़ के जरूर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप जो पढ़ते हैं वो आपका अपना सेगमेंट है, जो स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन करंट से मैं आपको ये 15 टॉपिक दे सकता हूँ आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में। वापस देख लेते हैं, मदर टेरेसा की साड़ी, रामानुजाचार्य, सीधी सैयद मस्जिद, इसका आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है। सिर्फ आप ये नहीं कि वो कहाँ है इतना जान के आप किनारे मत हो जाएगा, इसका आर्किटेक्चर पढ़िएगा। पद्मावत जैसी, इसके बारे में अध्ययन करना है। हरिकिया पढ़ना है, बहादुर शाह जफर का मकबरा और इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। स्वाभिमान आंदोलन कब हुआ था, किसके उद्देश्य से हुआ था। पाइका विद्रोह पहले भी बता चुका हूँ, ये महत्वपूर्ण है। और लगातार इस तरह के विद्रोह, आदिवासी और किसान विद्रोह, ये लगातार यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। मोपल्ला आया हुआ था, ठीक है। फिर अहमदाबाद, ये इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। अहमदाबाद वैसे अंग्रेजों के टाइम में भी बहुत महत्वपूर्ण शहर के रूप में रहा है। इसके बाद ये बिल पढ़ना है, द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट बिल 2017, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मैंने इसकी कैटेगरीज भी आप लोगों को बता रखी है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, इसके क्या महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन इज चिरा, राइट, चिरा आपको पढ़ना है। लिंगायत, लिंगायत भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को इसके विषय में, ठीक है। तो वीर शाह समुदाय अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कर्नाटक की वजह से। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, क्या हुआ था खिलाफत आंदोलन में, किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, उद्देश्य क्या था, किसके साथ हुआ था, पर्पस क्या था, इसका भारतीय राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव, यूनिटी बनी थी, किसने समर्थन किया था सबसे पहले खिलाफत का, गुड। तो चलो लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाल बाल पाल, इनको एक साथ ही पढ़ना, ठीक है। और ये नरमपंथी थे गरमपंथी, गुड, चलो। हाँ भाई बता, किसी को याद आ रहा है इस साल के लिए, कई कारणों से चर्चा में है। एक तो सबसे पहले बात, जो भगत सिंह की वजह से जो बार बार ये लीजेसी आना शुरू हुआ, उसके बाद जन्म शताब्दी, और उसके बाद जो इनका एक प्रयास था, ठीक है, इनका एक प्रयास था जो नरम दल में गरम दल के साथ ये मिलकर जो है उस समय इन्होंने किसका विरोध किया था, बंगाल विभाजन का, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब बना था, ठीक है, उसमें एक क्या पर्पस रखे गए थे साइमन कमीशन में, कहां के रहने वाले थे, किस राज्य से, जब ये पंजाब में थे इन्होंने अपने कुछ पेपर शुरू किए थे, तो उसकी जन्म शती मतलब जो मनाई गई है जहां पर इन्होंने वो आंदोलन शुरू किए थे, वही जन्म शती पंजाब सरकार ने उसको जो सम्मानित किया है, उसको जन्म शती मनाने का जो है उन्होंने प्रयास किया था, उसी वजह से ये काफी चर्चा में लाला लाजपत राय। और इनका संबंध चूंकि आगे चलकर जब इनकी उनको लाठी पड़ी, ये मृत, इनको किसी एक नाम से भी जाना जाता था, शेरे पंजाब। तो उसके बाद जो है आगे चलकर इन्हीं की मतलब मृत्यु का बदला लेने के लिए, जो इनका जो हत्या की गई उसका बदला लेने के लिए किसने मारा था, नहीं इनको नहीं, किसने मारा था, लाठी किसने मारी थी, पढ़ लो, ठीक है, ये तो तुम्हारा काम है, अब हिस्ट्री तो मुझसे ना कहना पढ़ाने के लिए, ठीक है, टाइम टेकिंग है, याद है, हाँ। अरे यार इतनी पिक्चरें बन चुकी है, इतने सीरियल्स हैं, उसमें सैंडर्स का नाम याद रखने में तुम्हें कौन सी दिक्कत है, नहीं याद आ रहा था, हाँ बताए नहीं, तुम छुपा के रखे थे, सैंडर्स को बचा नहीं पाओगे, ठीक है। चलो यहाँ तक हमारा काम खत्म।